दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, थंबनेल देख करके आपने समझ लिया होगा कि आज की वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, आप भी देखते होंगे, आप जहां भी रहते हों, शहर में रहते हों या देहात में रहते हों, ग्रामीण इलाके में रहते हों, शहरों में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन गाँव में, क्योंकि शहरों में अभी छोटे छोटे ऑफिस जगह जगह खुले हैं। एक तो खुद पहले तो LIC के ऑफिसों में लोग जा कर के किस्त जमा किया करते थे, फिर बाद में छोटे छोटे ऑफिस खुल गए तो वहाँ पे लोग जमा किया करते थे LIC के नाम पे, जो कि LIC से अथराइज्ड ऑफिस खुल गए। और उसके बाद अब जाके कुछ वर्षों से जो CSC सेंटर होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, जहाँ पर हम किसी तरह का भी ऑनलाइन पेमेंट करवाना हो, यानी हमारा किसी तरह का भी किस्त भरने का काम भी वहाँ पर बड़े आसानी से हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस आसानी से भी एक आसान तरीका हमारे पास अवेलेबल है, जो कि हम सभी करना चाहते नहीं हैं जल्दी, क्योंकि कुछ लोग, ज़्यादातर लोग तो ये डरते हैं कि मुझे आएगा ही नहीं, मैं कर नहीं सकता, और इस चक्कर में लोग करना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते इस चीज़ को। जबकि ये कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करना हो, चाहे LIC की किस्त हो या कुछ भी हो, बड़ा आसान प्रोसेस होता है। हाँ, ज़्यादातर में शुरुआत में हमें दिक्कत होती है, जबकि क्योंकि शुरुआत में हमें पूरी डिटेल्स अपनी अवेलेबल करानी होती है वेबसाइट को या एप्लीकेशन पे, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। बाकी आगे का काम इतना मुश्किल नहीं होता, और वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो इसके लिए दोस्तों, आपको सबसे पहला काम जो करना है वो है LIC कस्टमर। एक ऐप होता है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाता है, ये LIC का ऑफिशियल ऐप है। इसको इंस्टॉल करना है, और जब इसको आप ओपन करेंगे तो चार ऑप्शन हमारे सामने खुल के आते हैं। नीचे से अगर बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन होता है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आपने अभी तक अपना नंबर LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यानी ऑनलाइन इस्तेमाल के लिए रजिस्टर नहीं किया है, तो आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके और नंबर को रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करते समय आपको पूरी डिटेल भरनी होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नॉमिनी, पॉलिसी नंबर हो गया, कितने का प्रीमियम है, यानी पूरी डिटेल आपको भरनी पड़ती है। और कुछ मामलों में आपका डिटेल साथ साथ में आता जाता है LIC की वेबसाइट पे, और ये केवल आपको एक ही बार करना होता है। ऐसा नहीं है कि जितनी बार आप प्रीमियम पे करेंगे उतनी बार करना पड़ेगा। एक बार यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके सारा डिटेल फिलअप कर दिए, उसके बाद से दोबारा ये नहीं करना पड़ता है। फिर आगे का प्रोसेस जो सेकेंड ऑप्शन हमारा है, रजिस्टर्ड पोर्टल यूजर्स वाला, इससे शुरू होता है। अब ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि हमको बार बार यूज़ करना पड़ेगा, जब भी हम ऑनलाइन पेमेंट करना चाहेंगे तो हमको इसी पर क्लिक करके और आगे की प्रोसेस करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। इसके ऊपर है क्विक सर्विस। क्विक सर्विस का मतलब होता है कि आपको बिना लॉगिन किए, यानी अगर आपने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं भी किया है, तो आप बिना लॉगिन किए ही ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो ये उसके लिए होता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी असुविधा लग सकती है। आपको खुद ही पूरी डिटेल भरनी पड़ती है, लाइक पॉलिसी नंबर और कितना पेमेंट करना है, सब कुछ। जबकि आप रजिस्टर्ड रहेंगे तो उसमें केवल सेलेक्ट करना होता है। और चौथा ऑप्शन होता है नो आवर प्रोडक्ट्स, यानी कि LIC के जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जितने भी स्कीम्स हैं, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी इस ऑप्शन पर क्लिक करके मिल जाती है। तो चलिए, हम अपना जो मेन काम है, यानी कि हम पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो हम रजिस्टर्ड पोर्टल यूजर्स पर क्लिक करके आगे की प्रोसेस करते हैं। तो अगला पेज हमारा खुल के आता है, यहाँ पे हमको लॉगिन करना पड़ता है। तो जो हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है, इस पे मोबाइल नंबर डालते हैं। उसके बाद जो हमारा पासवर्ड क्रिएट हुआ रहता है रजिस्ट्रेशन करते समय, वो एंटर करना पड़ता है। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ भरना होता है, उसके बाद हम साइन इन करते हैं। लॉगिन होने के बाद से ये कुछ पॉपअप विंडो आएगी, इसको हटा देना है। और इसके बाद सामने आपको अपनी पॉलिसी से संबंधित हर तरह की जानकारी तमाम ऑप्शंस के द्वारा मिल जाती है। अब यहाँ सेल्फ पॉलिसीज पे क्लिक करके आप अपनी पॉलिसी की पूरी डिटेल देख सकते हैं। जिस पॉलिसी की डिटेल आपको देखनी हो उसके ऊपर क्लिक करिए, उसके बाद अगला पूरा डिटेल खुलेगा। जैसे ये पॉलिसी कितने की है, कितने सालों तक चलेगी, और कब आपने लिया था यानी ये पॉलिसी, और इन फोर्स है या नहीं है। इसके अलावा
कितने का इंश्योरेंस है इस पे, नॉमिनी कौन है इस पॉलिसी का, ये सारा डिटेल आप इस ऑप्शन के द्वारा देख सकते हैं। फिलहाल अपने को पॉलिसी का प्रीमियम पे करना है, तो हम चलते हैं मेन पेज पे इसके, और वहाँ जाकर हम क्लिक करेंगे ऑनलाइन पेमेंट्स पे। अगला पेज खुलता है, इसमें रिन्यूअल प्रीमियम सबसे ऊपर वाला ऑप्शन हम चूज करते हैं, और इसके बाद हमारी पॉलिसी जो भी ड्यू होती है वो इस लिस्ट में दिख जाती है। तो जिसको भी आपको पेमेंट करना हो उसे सेलेक्ट करना है, और उसके बाद से नीचे चेक एंड पे पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है एक पॉपअप विंडो आती है, अलर्ट कुछ आता है कि क्या आप श्योर हैं ऑनलाइन पेमेंट आपका किया जा रहा है, उस यहाँ पर आपको येस चूज करना है। और इसके बाद से जो अगला खुलेगा वो होता है हमारा फाइनल डिटेल, कितने की पेमेंट आपको करनी है चेक एंड पे। और यहाँ पे दोबारा से हम चेक एंड पे पे क्लिक करेंगे, एक बार दोबारा से पूछा जाएगा चेक एंड पे, वहाँ पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा किस के थ्रू आपको पेमेंट करना है, तो हम इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे और बैंक सेलेक्ट करके और उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। आप जैसे चाहें वैसे पेमेंट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बैंक के थ्रू या कैसे भी करना है आपको। यहाँ पर हम अपना बैंक का आईडी पासवर्ड जो भी है, अलग अलग बैंकों का अलग अलग प्रोसेस होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो ये हम पासवर्ड और आईडी ये तो खैर सब में डालनी होती है, तो ये एंटर करेंगे। उसके बाद से ये फाइनल आपसे पूछा जाएगा कि इतनी पेमेंट आपको LIC को करनी है, वो क्लियर आप करेंगे। उसके बाद से आपको कन्फर्म करने के बाद से एक कोड आपके मोबाइल पे आता है, उस कोड को आपको यहाँ पर एंटर करना होता है। बिना कोड आए आप इसका पेमेंट कर नहीं सकते, तो ये कोड जो आएगा यहाँ पर हम एंटर करेंगे, उसके बाद से ये पैसा हमारे अकाउंट से कट जाएगा। यानी ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग होनी चाहिए, या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं, या और भी माध्यम हैं बहुत सारे, वहाँ से आप कर सकते हैं, गूगल पे वगैरह के द्वारा भी होता है। तो ये हमारा पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है, इसका पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ से हम बैक टू LIC करेंगे, और ये आ गया हमारा जो पेमेंट सक्सेसफुली हुआ है, इसका प्रीमियम पेमेंट प्रोसेसड सक्सेसफुली। अब ऊपर डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन है, वहाँ पर हम डाउनलोड करके चाहें तो जो हमें पर्ची मिलती है ऑफिसेज में पेमेंट करने के बाद से, उसी तरह का कुछ रिसिप्ट आपको मिल जाएगा, यहाँ पर स्लिप कहें तो स्लिप मिल जाएगी, और उसको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल करके रख सकते हैं। तो सेम वैसी ही एक रिसिप्ट हमको मिल जाती है, जो कि ऑफलाइन पेमेंट करते हैं जब हम ऑफिसेज में जा करके, तो इसको हम रिकॉर्ड के लिए प्रिंट आउट लेकर के रख भी सकते हैं, या फिर ऐसे भी मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं। तो वीडियो अब समाप्त होता है, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।